हरियाणा विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर बने कृष्ण मिड्डा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज हरियाणा की जो 15वीं विधानसभा है उसके पहले दिन की कार्रवाई थी, आपको डिप्टी स्पीकर बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी विधायकों का जिन्होंने मुझे चुनने का काम किया, अध्यक्ष महोदय का भी। और मैं यही कहूंगा कि एक जिम्मेवारी का काम है जिसे बाखूबी से निभाने का काम करेंगे। सर, नए विधायक भी आए हैं 40 चुन करके, महिला विधायक भी हैं, उनमें भी नए विधायक हैं, कैसे आप कोई इनके लिए कोई किसी तरीके का प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे? क्योंकि भाजपा में हमने देखा था शुरुआत में जो नए विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग, बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग क्लास चलाएंगे उनकी, क्योंकि ये शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और आप ये मान के चलिए नए विधायकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि सेशन के अंदर समय जो है कम लगे, ताकि विधायक अपनी अपनी बात को अच्छे रूप से रख सके। इसके अलावा आने वाले समय में क्या दोबारा दिवाली के बाद जो सेशन है वो बुलाने को लेकर के भी कोई तैयारी? हाँ, अब जल्दी सेशन बुलाया जाएगा और उस सेशन में जो बची हुई कार्रवाई है अप्रैल तक की, मार्च तक की, वो कार्रवाई करी जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। कृष्ण मिड्डा सर अब हमारे साथ थे और सीधे तौर पर किस तरीके से जो उनका चयन जो किया गया है उस पर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नए विधायकों के लिए भी जल्द प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ आने वाले समय में जल्द हरियाणा विधानसभा का सेशन भी बुलाया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।